विवाह होता है, मैं देखता हूँ हर आदमी सोफा सेट दे रहा है, फ्रिज दे रहा है, सिलाई मशीन दे रहा है, वॉशिंग मशीन दे रहा है, और डबल बेड और गद्दा और रजाई, पर ये ध्यान ही नहीं दे रहा है जिस घर में बेटी जा रही वहाँ घर ठीक ठाक है कि नहीं है, ये सामान धरेंगे कहाँ। सब लाद दिया ट्राली में डबल बेड। आशीर्वाद है अन्नदान वालों का, बहुत अच्छा लेकर आए तुम, बैठो। सोचना पड़ेगा अगर बेटी के यहाँ जहाँ ससुराल बन रही है घर ना हो तो सारा पैसा इकट्ठा करके दो कमरे बनवा दो, सामान बिल्कुल मत दो, सामान बाद को ले लेंगे, चटाई बिछा कर सो जाएंगे। और दहेज की मांग मत करो, लालच में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ में है। कोई दहेज दे भी देगा 2-4-5 लाख तो क्या जिंदगी चल सकती है। तुम किसी बेटी वाले को लंबी गर्दन करके बोलते हो 20 लाख लूंगा, 40 लाख लूंगा, शर्म भी नहीं आती है। 40 लाख में तो तुम्हारा घर ही वो खरीद लेगा, तुम पैसा इतना मांग रहे हो। तुम्हारी बेटी का भी भाग्य है, तुम्हारे दामाद की भी किस्मत है। इतना ज़्यादा मारा मारी में मत फंसो, खुशी से जो दहेज मिल जाए ले लो। बस अच्छी बहू होनी चाहिए, अच्छी आपको पत्नी मिलनी चाहिए, और वो पत्नी मिलनी चाहिए काम करने वाली, वो बहू आनी चाहिए दो बात कह दो तो मुस्करा कर सहने वाली, और ऐसी बहू मिलनी चाहिए जो हर घंटे में साड़ी न बदले, हर घंटे में साड़ी न बदले। कितनी बहुएं ऐसी हैं, चमत्कारिक बहू है, हर घंटे में साड़ी बदलती है, सासों को भी भ्रम हो जाता है कि वही है कि दूसरी आ गई है। हाँ, हर घंटे में आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी। बहू के हाव भाव को देख करके सासू बहू से कहती नहीं है कि जरा बर्तन मांज दो। सासू सोचती है अरे ये तो इंद्रपरी है, इससे क्या कहूँ, इंद्रपरी है, और जब देखो तब बेड पर परी है। ऐसा हाल है। आपने सुना होगा भैंस के बच्चे का नाम पड़वा पड़िया। पड़वा पड़िया नाम क्यों पड़ा? भैंस जब बच्चा जन्मती है तो उसका बच्चा पड़वा हो चाहे पड़िया हो, लेकिन दोनों 6 महीना तक पड़े ही रहते हैं। कभी कभी देखने में लगता है मर गए हैं क्या, तो तुम लात से ढकेलते हो तब बड़ी मुश्किल से आँख खोलता है। तो ऐसे कितने घरों में पुत्र के रूप में पड़वा पैदा हुआ है, वो पड़ा ही रहता है, काम करता ही नहीं, पड़वा है। कहीं बेडरूम में पड़ा है, कहीं छत पर पड़ा है, कहीं आंगन में पड़ा है, सोता रहता है, पड़ा रहता है, तुमको पता ही नहीं ये पड़वा है। कितनी लड़कियों ने विवाह किया, जब ससुराल पहुंची तो अंदाज लेकर आई थी कि पति मिलेगा, वहां जब पहुंची देखा तो वहां पड़वा मिला। वो पड़वा पड़ा रहता है, काम ही नहीं करता। लोग बहुत खुश हुए हैं क्योंकि घर घर एक एक पड़वा तो है ही है। सास ससुर ने भी सोचा था बहू आएगी, लाड़ी आएगी, वो लाड़ी के बजाय पांडी आई है, भैंस की पांडी, वो पड़ी रहती है। इतनी बीमारी बताती है, कहीं बताती सिर में दर्द, कहीं बोलती अंगुली में दर्द, कहीं बोलती कमर में दर्द। अरे जवानी में इतनी दर्द ये कहाँ से पैदा हो? जवानी में तो सारी दर्द खत्म हो जाना चाहिए, ये जवानी में दर्द दर्द दर्द, बीमारी पाल पाल के बैठोगी तो काम कब करोगी? ऐसा नहीं है, याद रखना, काम करने से कोई छोटा नहीं होता है, और काम करने से कोई गरीब नहीं रहता है, और काम ना करने से कोई अमीर नहीं बन सकता है, और काम ना करने से कोई स्वस्थ नहीं रह सकता है, स्वस्थ नहीं रह सकता है। बोले सद्गुरुदेव की जय। इसलिए हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हुई, बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने एक कविता लिखा है स्त्रियों के लिए भी पुरुषों के लिए भी। नर हो न निराश करो मन को,
इतना साहस भर दिया। नर हो न निराश करो मन को, परीक्षा में फेल हो जाओ निराश मत होना, फेल होने से तुम अपने जिंदगी के युद्ध में नहीं हारते हो, जब निराश हो जाते हो तब तुम्हारी असली हार होती है। इसलिए याद रखना, अब्राहम लिंकन को भी याद कीजिए, 15 बार चुनाव लड़े और 15 बार हार गए। तो उनकी पत्नी ने पूछा, चुनाव लड़ना बंद कब करोगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, जिस दिन मृत्यु हो जाएगी उसी दिन चुनाव लड़ना बंद करूंगा। और 16वीं बार फिर चुनाव लड़े, पत्नी भी मना करती थी, रिश्तेदार भी कहते थे मूर्ख है पक्का ही, 15 बार हारा फिर भी उसी में जुटा हुआ। 16वीं बार वो व्यक्ति चुनाव जीत गया और 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बना, अमेरिका का राष्ट्रपति बना 2 बार। याद रखना, निराश हुआ व्यक्ति मरने से पहले ही मर जाता है, निराश हुआ व्यक्ति हारने से पहले ही हार जाता है, और जिसके पास में नई आशा की किरण है वो हारने वाला व्यक्ति भी अगले कदम पर जीत जाता है, अगले कदम पर जीत जाता है। इसलिए निराश मत हुआ करो, बड़ी सोच रखो। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज राजस्थान में, उदयपुर में मैंने उसका विजिट किया, तो उस कॉलेज के जो मालिक थे और प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कॉलेज दिखाया, तो वहाँ पर एक कोटेशन लिखा हुआ था कि समय पर सोचो, फिर लिखा था बड़ा सोचो, फिर लिखा था अच्छा सोचो, फिर लिखा था जल्दी सोचो, और फिर लिखा था सोचने में एकाधिकार नहीं है, यदि तुमने सोचने में देर कर दी तो कोई दूसरा सोचकर फैसला ले लेगा, तो तुम सोचते ही रह जाओगे, इसलिए जल्दी भी सोचो। बहुत बड़ी बात है, जब उसको मैंने पढ़ा तो मैंने भी सोचा वहीं पर खड़े खड़े कि अवैधम आश्रम बनाऊंगा। मेरे संत ने पूछा, बजट तो है नहीं गुरुदेव, हो ना हो लेकिन सोचने में कौन खर्चा, सोचने में 1 रुपया खर्च नहीं होता, अवैधम बनाऊंगा ऐसा सोचा तो इसके लिए 1 करोड़ दान आ चुका है और 4.5 करोड़ की जमीन मिलेगी। फिर और बड़ा सोचा वहीं पर कि उज्जैन में भी बनाऊंगा, उसके लिए भी दान आने लगा। याद रखना, जब तुम सोचते हो बड़ा अच्छा और समय पर, तो ये प्रकृति तुम्हारी सोच को पूरा करने के लिए, ये सारी दुनिया मदद में लग जाती है, लेकिन डिसीजन और प्लानिंग तुमको करना पड़ेगा, फिर ये जगत की कण कण की शक्ति आपको मदद करेगी और आपका सोचा हुआ एक दिन जरूर सफल हो जाएगा।